बिहार में 23 जून को विपक्षी एकजुटता देखने को मिलेगी। पटना में इस महाजुटान से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष के नेताओं को एक खत लिखा है। खत का मजमून क्या है ये हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जन भावना टाइम्स। दरअसल 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में मिशन 2024 को लेकर विपक्षी नेताओं की महाबैठक होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अब पटना की बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी के जरिए केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं से आग्रह किया है कि बैठक में अध्यादेश को संसद में हराने पर पहली चर्चा हो। उन्होंने लिखा कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, अगर यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर भाजपा राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर कंक्रीट लिस्ट के विषयों से राज्य सरकार का अधिकार छीन लेगी। अध्यादेश लागू होने पर दिल्ली से जनतंत्र खत्म हो जाएगा, केंद्र LG के माध्यम से सरकार चलाएगी, दिल्ली के बाद अन्य राज्यों से जनतंत्र खत्म किया जाएगा। वह दिन दूर नहीं जब PM 33 राज्यपालों और LG के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। वैसे आपको बता दें कि 2024 में BJP को शिकस्त देने के मकसद से ये पटना में विपक्ष का ये महाजुटान होने जा रहा है। 23 जून को विपक्ष के दिग्गज पटना में जुटने जा रहे हैं। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, NCP सुप्रीमो शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, PTP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती समेत लेफ्ट के कई नेता जैसे सीताराम येचुरी और D. Raja भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। तो और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रहे जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।